ओके बेटा, अब इसके अंदर हम कुछ हमारे पास मेजॉरिटी यूज होने वाले कुछ क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं जो यूज होते हैं। आप जब भी किसी तरह की ई कॉमर्स की वेबसाइट या आपकी कोई और वेबसाइट है जिस पे आपको समझ लें वैल्यूज दिखानी है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, या उसके अलावा हमारे पास होता है ना रेंजेस में वैल्यू दिखाना, सही है कि यहां से लेकर यहां तक वैल्यूज चाहिए। जैसे आप लोगों ने एक्सेल के अंदर ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ी होगी ना, होता है ना कि हमें वैल्यूज देखनी है इस रेंज से लेकर इस रेंज तक, तो आपके वही तकरीबन चीजों को अगर किसी एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करना है, आप किसी ई शॉप पे गए होंगे, वहां पे रेंज नहीं होती कि लोएस्ट प्राइस से हाईएस्ट प्राइस की वैल्यूज दिखाओ, है ना। इसी तरह के हमारे पास फिर क्या होते हैं कि टॉप 10 प्रोडक्ट्स दिखाओ, सही है, या ओल्ड प्रोडक्ट्स दिखाओ, न्यू प्रोडक्ट्स दिखाओ, सही है, या फिर रेंजेस दे रहे होते हैं कि हमारे पास हमें एक चीज बताओ जो 5,000 से 10,000 के रेंज में मिल जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, या आपकी स्टेट एजेंसी होती है, आप होम कोई या हाउस ऑनलाइन ढूंढ रहे होते हैं रेंट पे, या कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो आपका वहां पे क्या होता है, मोबाइल खरीदने जाते हैं रेंजेस होते हैं ना कि मेरी रेंज फॉर एग्जाम्पल 15,000 से 25,000 तक है, तो मुझे इसमें मोबाइल चाहिए। वहां पे ड्रॉप डाउन गिवन होते हैं, आप सिलेक्ट करते हो कि यहाँ 15,000 स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट क्या है 25,000, तो आप उस लिहाज से क्या कर लेते हैं, चीजें सर्च कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरह के बहुत सारे सिनेरियोज हैं बेटा, ये बिल्कुल इजी चीजें हैं जिसको आप यूज करोगे, डिफरेंट काइंड ऑफ जो हमारी वेबसाइट्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, सब पे यूज होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सही है। अब इनको यूज कैसे करेंगे, देखिए बिटवीन हमारे पास इज अ समझ लें क्या है, ये रेंजेस बताने के लिए यूज होता है। ये ऑपरेटर है जिसका काम क्या होता है, हम किसी भी टेबल से सिलेक्ट करवाते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू रेंजेस, कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक मुझे कोई वैल्यू चाहिए। कौन से क्लियर, फॉर एग्जांपल आपके पास एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की एक ऐप है, वेब ऐप है, जिसमें आपके पास 1500 एम्प्लॉयज काम कर, आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे पास ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जो 50,000 से अबव सैलरी ले रहे हैं, या 50,000 से 1.5 लाख तक ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यू कैन गो बिटवीन ऑपरेटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सही है। या अगर आप किसी इदारे में एज अ समझ लें स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है कोई, सही है, तो आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं कितने स्टूडेंट्स की फीसिस यहां से लेकर यहां तक है, क्लियर है, तो रेंजेस में आप मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब इसी तरह के अगर मैं आपको यहां पे बैठ के बताऊं तो हजारों एप्लीकेशंस के एग्जांपल हो जाएंगे जिनमें हमारी इन तीन या 15 5 चीजों के यूज हो रहे होते हैं। कौन सा क्लियर है जी। चले अब आपके पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास टोटल अभी तो 3 ही रिकॉर्ड है, अब इस पे मेरे पास जो चीजें हैं एज भी गिवन है और फीस भी गिवन है। कौन सा क्लियर है, कल को चीजें हो सकती है ना, हम जेंडर वाइज चीजों को सर्च करें, फीस वाइज सर्च करें, हम सिटी वाइज सर्च कर सकते हैं, हम एज वाइज सर्च कर सकते हैं, होता है ना कि जिन फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट की एज इतनी है वो हमें सर्च करके बता दें, सही है, या हमारे पास जिन बच्चों की फीस इतनी है वो हमारे पास आ जाए टॉप पे, तो हम उनको सर्च कर सकते हैं। कैसे करेंगे जी, इस क्यूरी का पैटर्न समझें। क्यूरी कह रही है कि आपको क्या करना है, यहां पे आके मैं इसको समझाता हूं, इसका सेंटेक्स ये है, सेलेक्ट करो कितने रिकॉर्ड दिखाने, ऑल, बेटा देखो ये यहां पे कॉलम बताते हैं, क्या बताते हैं हम, कॉलम। स्टेरिक का मकसद जो भी हम सर्च करेंगे उसकी तीनों या चारों चीजें दिखानी है, पांचों चीजें दिखानी, यानी आईडी, नेम, एज, सिटी, फीस, ये सब दिखाना है, तो आप बता देंगे स्टेरिक। कौन सा क्लियर, सिलेक्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं ना डीएमएल की। अब इसके अलावा अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं सिर्फ आपको नाम चाहिए, सिलेक्ट करो वो नाम जो बिलोंग करते हैं किस टेबल से बेटा, स्टूडेंट्स इन्फो की टेबल, जो टेबल का नाम है वेयर, यहां पे सैलरी गिवन है, आप बताओ जहां पे स्टूडेंट की फीसेस, सही है, फीस बिटवीन है किसके, मैं कह देता हूं कि स्टूडेंट की फीस है 4,000 से लेकर 5,000 के बीच। कौन सा क्लियर हो गया, कि मुझे वो स्टूडेंट सर्च करके बताओ जिनकी फीसेस, या उन स्टूडेंट के सिर्फ नाम बताओ, क्या बताओ, सिर्फ नाम बताओ, किस टेबल से, स्टूडेंट की टेबल से,
जहां पे वेयर क्लॉज हम लगाते हैं कंडीशन लगाने के लिए कि वेयर स्टूडेंट की फीस बिटवीन है किसके 4000 से लेकर 5000 के अंदर, तो आप सिलेक्ट करेंगे क्यूरी को और एग्जीक्यूट कर लेंगे। अच्छा जी, हमने इस क्यूरी को सिलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट कर देना है, तो क्या हुआ, क्या बता रहा है, अली और हलाद एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी फीसेस कहां से लेकर है 4000 से 5000 की फीस समझ लें इसमें रेंज में। अगर आप चाहते तो स्टार, तो अब मुझे नाम नहीं पांचों कॉलम चाहिए, है ना, स्टार का मकसद है ऑल, तो हम यहां पे इसको सिलेक्ट करेंगे स्टेरिक देके और एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी बता रहा है अली खलाद इनकी फीसेस कितनी है बेटा 4000 और 5000 के रेंजेस में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कल को आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं सही है किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, तो आप क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ रेंजेस में वैल्यूज देते हैं ना कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट चाहिए इस रेंज से लेकर इस रेंज में, तो हम कौन सी क्यूरी यूज करेंगे बिटवीन की। अगर वो एप्लीकेशन किससे बना रहे हैं एसक्यूएल सर्वर से बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका। तो बिटवीन ऑपरेटर हमारे पास किसी भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रेंजेस में सर्च करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है।